नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार जारी रखते हुए जेम पर आधारित मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज का नाम है केसर देवी। केसर देवी सीरीज का पार्ट 4 हम करने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब कि जेम से किस तरीके से खरीदी की जा सकती है और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब कि जेम पर आधारित क्वेश्चंस हैं। इन परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो साथियों, देखते हैं जेम पर बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज केसर देवी सीरीज पार्ट 4 का 58 रूल 149 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 हैज बीन अमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाइड ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 2 अप्रैल 2019 टू मेक परचेजेस थ्रू विच मेथड। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से किस तरीके से खरीदारी करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 149 में संशोधन किया गया है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जीएफआर 2017 में अमेंडमेंट किया गया, उसके लिए डेट बताई गई है 2 अप्रैल 2019 को। और ये कार्यालय ज्ञापन के द्वारा कौन सी तरीके से खरीदारी करने पर नियम 119 में संशोधन किया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। सीपीपीपी पोर्टल, जेम पोर्टल, डीजीएसएनडी पोर्टल, ट्रिपल पी पोर्टल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, जेम पोर्टल। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से किस तरीके से खरीदारी करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 149 में संशोधन किया गया है, तो कौन सा तरीका है जेम पोर्टल से खरीदारी करने के लिए 2 अप्रैल 2019 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 149 में परिवर्तन करके जेम के माध्यम से खरीदारी के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा जेम पोर्टल के द्वारा खरीदारी करने के लिए नियम बदले गए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 59। ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स वेयर देयर इज नो सीलिंग लिमिट शैल बी मैंडेटरी फॉर द परचेज ऑफ आइटम्स अबव व्हाट अमाउंट टू रिसीव बिड्स। ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन टूल किस मूल्य से अधिक की खरीद के लिए बोलियां प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होगा, मतलब कि आप ऑनलाइन बिडिंग करना चाह रहे हैं या रिवर्स ऑक्शन टूल का यूज करना चाह रहे हैं, तो कितनी राशि से अधिक की खरीद करने पर ये ऑनलाइन बोलियां आप प्राप्त करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं अबव ₹5 लाख, अप टू ₹3 लाख, अबव ₹30 लाख, अप टू ₹50 लाख। आप ई बिडिंग करना चाह रहे हैं या रिवर्स ऑक्शन करना चाह रहे हैं, तो कितनी राशि से अधिक के लिए आपको अनिवार्य रूप से ई बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, अबव ₹5 लाख, मतलब कि 5 लाख से अधिक राशि की अगर आप खरीदी करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन बिडिंग करनी होगी, ई बिडिंग करनी होगी या रिवर्स ऑक्शन टूल का यूज करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, अबव ₹5 लाख। क्वेश्चन देख लेते हैं 60। हाउ मच अमाउंट एट लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स वेयर देयर इज नो सीलिंग लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड फ्रॉम वेंडर्स अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल थ्रू ऑनलाइन बिडिंग एंड ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन कैन द गुड्स बी परचेज्ड। क्वेश्चन को समझिए, ऑनलाइन बिडिंग या ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से जेम पोर्टल पर उपलब्ध विक्रेताओं से आवश्यक गुणवत्ता, विनिर्देश और डिलीवरी अवधि के कम से कम 3 अलग अलग निर्माताओं, ऑटोमोबाइल को छोड़कर जहां सीलिंग की कोई सीमा नहीं है, से न्यूनतम मूल्य पर कितनी राशि का सामान खरीदा जा सकता है। यहां पर बताया गया है कि ऑनलाइन बिडिंग या ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से आप जेम पोर्टल से खरीदारी कर रहे हैं, तो यहां पर ई बिडिंग बोल रहे हैं, ई बिडिंग के द्वारा या आरए के द्वारा रिवर्स ऑक्शन के द्वारा आपको खरीदी करनी चाहिए, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि 3 कम से कम क्या होने चाहिए, सप्लायर होने चाहिए, 3 सप्लायर यहाँ पर कम से कम होने चाहिए। तो कितनी राशि से अधिक के लिए आप इस प्रकार की बिडिंग करेंगे या रिवर्स ऑक्शन करेंगे जहाँ पर मिनिमम 3 सप्लायर होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन भी बताई गई है कि ऑटोमोबाइल्स हैं इस प्रोसेस में शामिल नहीं कर रहे हैं।
तो तीन मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, उनमें से लोवेस्ट प्राइस देने वाले को आप टेंडर अवार्ड कर देंगे। ये प्रोसेस है, कितनी राशि से अधिक पर खरीद के लिए लागू होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, अप टू ₹30,000, अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5,00,000, अप टू ₹50,000, अबव ₹10,00,000। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5,00,000। मतलब कि आप ई बिडिंग या आर ए रिवर्स ऑक्शन करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम तीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो होने चाहिए, और ये टेंडर अलॉट किया जाएगा किसको, जो लोवेस्ट प्राइस देगा, इनमें से जो लोवेस्ट प्राइस देगा उसको टेंडर अलॉट किया जाएगा। तो इसके लिए राशि कितनी रखी गई है, ₹25,000 से अधिक आप खरीद कर रहे हैं और ₹5,00,000 तक की आप खरीद करते हैं, तो ये प्रोसेस है वो अपनाई जानी चाहिए। जैम पोर्टल पर जो भी आपके स्पेसिफिकेशन है, डिलीवरी टाइम है, उसको पूरा करना चाहिए। तो ₹25,000 से अधिक और ₹5,00,000 तक की खरीदी आप कर रहे हैं तो ई बिडिंग करेंगे या रिवर्स ऑक्शन करेंगे, और इसके लिए कंडीशन बताई गई है कि तीन मैन्युफैक्चरर कम से कम होने चाहिए और जो लोवेस्ट प्राइस देगा उसको टेंडर आप अलॉट कर देंगे। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 61, अंडर रूल 149 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 एज अमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गुड्स अप टू व्हाट अमाउंट कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू एनी सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम मीटिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 149 के तहत आवश्यक गुणवत्ता विनिर्देश और डिलीवरी अवधि को पूरा करने वाले जेम पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कितनी राशि तक का सामान खरीदा जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अप टू ₹25,000, अबव ₹25,000, अप टू ₹5,00,000, अबव ₹5,00,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, अप टू ₹25,000। क्वेश्चन है वो बदले गए हैं, अलग अलग कंडीशंस बताई गई हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि तीन कम से कम सप्लायर होने चाहिए, और साथ में ये कंडीशन बताई गई थी कि सप्लायर के साथ में ये भी कंडीशन थी कि जो लोवेस्ट प्राइस देगा उसको टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या लिमिट रखी गई थी कि अगर आप 25,000 से लेकर के ₹5,00,000 तक की खरीदी कर रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन अलग रखी गई थी, वहां पर तीन सप्लायर होने जरूरी थे और लोवेस्ट को आप दे देंगे, टेंडर अलॉट कर देंगे। परंतु यहाँ कंडीशन अलग दी गई है, GFR के रूल 149 में ये बताया गया है कि किसी भी सप्लायर से, जो भी जेम पर अवेलेबल है, किसी भी सप्लायर से आप खरीदी कर सकते हैं, जो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करे और डिलीवरी पीरियड में आपको माल है वो सप्लाई कर दे। तो कितनी राशि तक की आप जो अवेलेबल सप्लायर है उनसे खरीदी कर सकते हैं जेम पर। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, अप टू ₹25,000। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला 62, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बिड सिक्योरिटी आल्सो नोन एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द बिडर इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्रेता के हितों की सभी तरह से रक्षा करने के लिए बोली सुरक्षा, जिसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहा जाता है, को बोलीदाता से निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो परचेजर है उसके इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए बिड सिक्योरिटी है वो जमा की जाती है, मतलब कि EMD है वो कलेक्ट की जाती है। और ये EMD कौन देगा, सप्लायर देगा या जो भी बिड डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है वो सबमिट करेगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए कि कोई सप्लायर है वो भाग ना जाए या जो बिड डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है वो छोड़ ना दे, वो प्रोसेस से अलग ना हो जाए, तो परचेजर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए EMD या बिड सिक्योरिटी है वो जमा की जाती है। और GFR के रूल में ये बताया गया है कि 2 से लेकर 5% EMD है वो जमा करनी चाहिए। GFR पर कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। और यहाँ हम बात करें जेम पर, जेम के लिए EMD या बिड सिक्योरिटी है कौन कौन से माध्यम से जमा की जा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर्स चेक और बैंक गारंटी इंक्लूडिंग ई बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स और पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, डी ऑल द अबव।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ईएमडी है वो इन सभी तरीके से प्राप्त की जा सकती है, इंश्योरेंस, श्योरिटी बॉन्ड या अकाउंट पे ही, डिमांड ड्राफ्ट डीडी के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, फिक्स डिपॉजिट के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, एफडी की रिसिप्ट के द्वारा भी ले सकते हैं, साथ में बैंकर्स चेक और बैंक गारंटी इंक्लूडिंग ई बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक और पेमेंट ऑनलाइन इन एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब ऑनलाइन पेमेंट है वो भी ईएमडी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कोई नया तरीका है तो आप कमेंट करके बताइए, यहाँ उत्तर हो रहा है ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला 63। डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज अप टू ₹25,000 कैन बी मेड थ्रू एनी सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम अंडर रूल 149, हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। जीएफआर के नियम 149 के तहत जेम पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ₹25,000 तक की सीधी ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है, इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ द डीजीएस एंड डी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ द बायर, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ द सप्लायर, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ द जेम। तो किसका अप्रूवल लेना जरूरी हो जाएगा? ₹25,000 तक की राशि के कोई भी आइटम है आप जेम पर अवेलेबल सप्लायर से किसी से भी खरीदारी कर सकते हैं जीएफआर के रूल 149 के अनुसार, परंतु इसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा, और अप्रूवल किससे लेना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ द बायर। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से आप अप्रूवल लेकर के ₹25,000 तक की खरीदी कर सकते हैं, जेम के कोई भी अवेलेबल सप्लायर है उनसे खरीदी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको सप्लाई दे सके, तो उसके लिए आप किसी से भी खरीदी कर सकते हैं। और उसके लिए लिमिट बताइए कि ₹25,000 तक की आप खरीदारी कर सकते हैं रूल 149 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 64। अंडर रूल 149 सेकंड ऑफ जीएफआर 2017 फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5,00,000 एट लीस्ट 3 सप्लायर्स शुड बी अवेलेबल, टू होम विल द फाइनल परचेज ऑर्डर बी प्लेस्ड। जीएफआर 2017 के नियम 149(2) के तहत ₹25,000 से अधिक और ₹5,00,000 तक की सीधी ऑनलाइन खरीद के लिए कम से कम 3 आपूर्तिकर्ता उपलब्ध होने चाहिए, अंतिम खरीद आदेश किसे दिया जाएगा? तो ये कंडीशन बताई गई है, क्वेश्चन में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जीएफआर 2017 के नियम 149 के तहत आप कितनी राशि तक खरीद कर सकते हैं, ₹25,000 से लेकर के ₹5,00,000 तक की आप ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर कंडीशन बताइए कि 3 कम से कम वहाँ पर आपूर्तिकर्ता होने चाहिए, और इन 3 आपूर्तिकर्ताओं में से आप परचेज ऑर्डर किसको देंगे, मतलब कि टेंडर किसको अवार्ड करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, सेलर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस L1 ऑन द जेम, सेलर हैविंग द रीजनेबल प्राइस R1 ऑन द जेम, सेलर हैविंग द चीपेस्ट प्राइस C1 इन मार्केट, और D ऑल दी अबव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से आपको आंसर पता है, सही उत्तर हो जाएगा ए, सेलर हैविंग द लोवेस्ट प्राइस L1 ऑन द जेम। जो 3 सप्लायर है उनमें से जो L1 होगा, लोवेस्ट प्राइस देगा, उसको टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। कितनी राशि तक के लिए? 25,000 से लेकर ₹5,00,000 तक की आप अगर खरीदी कर रहे हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा, ई ऑक्शन या ऑनलाइन ई बिडिंग के द्वारा आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, और जो L1 होगा उसको आप टेंडर अलॉट कर देंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 65। इफ द बायर वांट्स टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, देन विच सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन अलोंग विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज। यदि खरीदार किसी विशिष्ट OEM, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का उत्पाद खरीदना चाहता है, तो सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन के साथ OEM से कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, मतलब कि कोई स्पेसिफिक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कोई खरीदी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सर्टिफिकेट उससे प्राप्त करना होगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कौन सा सर्टिफिकेट लिया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑथेंटिक सप्लायर सर्टिफिकेट ऑन जेम, प्रोप्राइटी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन जेम। तो कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना चाहिए, मतलब कि आप
कोई स्पेसिफिक ओईएम से खरीदारी करना चाहते हैं, कोई निश्चित ओईएम से आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो उससे किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज के अप्रूवल के बाद में कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। सही उत्तर आपको पता है, सी हो जाएगा, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, मतलब कि पीएसी उससे प्राप्त करना होगा। पीएसी का मतलब है कि मौलिक उत्पादक सर्टिफिकेट है, इस प्रकार का आइटम दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता। तो आप स्पेसिफिक ओईएम से ये खरीदारी करना चाह रहे हैं तो उससे क्या लेना होगा आपको, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। सही उत्तर हमारा वो सी हो जाएगा, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 66। बायर कैन यूज पीएसी फिल्टर ऑन जेम पोर्टल फॉर अप्रूवल पीएसी सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेस्ड ऑन ऑनरशिप इन विच रूल ऑफ जीएफआर 2017 द गाइडलाइंस फॉर परचेज एज पर प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट आर स्पेसिफाइड। क्रेता स्वामित्व के आधार पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन पीएसी प्रमाण पत्र के लिए जेम पोर्टल पर पीएसी फिल्टर का उपयोग कर सकता है। जीएफआर 2017 के किस नियम में स्वामित्व प्रमाण पत्र के अनुसार क्रय हेतु दिशा निर्देश विनिर्दिष्ट है, मतलब कि क्रेता है वो क्या ले सकता है पीएसी के अनुसार। पीएसी सर्टिफिकेट के आधार पर आप खरीदी कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट के आधार पर आप खरीदी कर सकते हैं। जहां पर जेम पर फिल्टर लगा हुआ है, पीएसी के लिए फिल्टर लगा हुआ है और साथ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओनरशिप के लिए आपको अप्रूवल दे दे तो आप खरीदी कर सकते हैं। और इसके लिए जीएफआर 2017 का कौन सा नियम बनाया गया जिसके आधार पर आप पीएसी फिल्टर यूज कर सकते हैं जेम पोर्टल पर, ऑप्शन देख लेते हैं। रूल 149, रूल 166, रूल 150, रूल 161। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, रूल 166। मतलब कि रूल 166 में ये बताया गया है कि आप पीएसी फिल्टर आप यूज कर सकते हैं जिसके लिए आप अप्रूवल देंगे और साथ में पीएसी सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला 67। एक्सेप्ट फॉर परचेज ऑफ गुड्स अप टू ₹25,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए सप्लायर वेयर एज पर जीएफआर रूल्स फॉर परचेज अबव ₹25,000 प्रॉपर बिडिंग इज मैंडेटरी विच मे बी एज फॉलोज। किसी भी आपूर्तिकर्ता से सीधे 25,000 तक के सामान की खरीद को छोड़ करके, मतलब कि ₹25,000 तक की खरीद तो आप किसी भी आपूर्तिकर्ता से खरीद सकते हैं जो भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इसको छोड़ करके जीएफआर नियमों के अनुसार 25,000 से अधिक की खरीद के लिए उचित बोली अनिवार्य है जो निम्नानुसार हो सकती है। तो उचित बोली आपको प्राप्त करनी होगी अगर आप खरीदी कर रहे हैं ₹25,000 से अधिक के लिए, तो उचित बोली के लिए कुछ बातें बताई गई है। ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, ओनली ओईएम इज अवेलेबल और ओनली सिंगल ऑथराइज्ड सेलर इज अवेलेबल, ओईएम एज वेल एज मल्टीपल ऑथराइज्ड सेलर आर अवेलेबल, मल्टीपल ऑथराइज्ड सेलर्स ऑफ द ओईएम आर अवेलेबल, डी ऑल दी अबव। तो किससे आप खरीदी कर सकते हैं 25,000 रुपये से अधिक की आप खरीदी कर रहे हैं तो उचित बोली मतलब कि प्रॉपर आपको बिडिंग करनी होगी, और ये प्रॉपर बिडिंग के लिए कौन से सप्लायर आप चूज कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव, कोई भी आप प्रॉपर बोली के लिए यूज कर सकते हैं 25,000 रुपये से अधिक आप खरीदी कर रहे हैं। ओनली ओईएम मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके लिए आप उचित बोली उनसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ में और एनी सिंगल ऑथराइज सेलर इज अवेलेबल, अगर सिंगल ऑथराइज सेलर है सिर्फ एक है तो उससे भी आप उचित बोली प्राप्त करेंगे। बी ऑप्शन में ओईएम एज वेल एज मल्टीपल ऑथराइज सेलर्स आर अवेलेबल, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है साथ में मल्टीपल ऑथराइज सेलर्स भी अवेलेबल है तो उनके बारे में भी क्या करना होगा प्रॉपर बिडिंग करनी होगी। और सी ऑप्शन है मल्टीपल ऑथराइज सेलर्स ऑफ द ओईएम आर अवेलेबल, तो इनमें से कोई भी होगा आपको क्या करना होगा प्रॉपर बिडिंग करनी होगी, मतलब कि प्रॉपर बिडिंग लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि आप खरीदी कर रहे हैं 25,000 रुपये से अधिक कर रहे हैं और जो जीएफआर के रूल के अनुसार 25,000 से अधिक आप जेम पर खरीदी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर बिडिंग जरूरी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 68। स्प्लिटिंग ऑफ डिमांड्स बाय मेकिंग मल्टीपल बिड्स आरएस, मतलब कि रिवर्स ऑक्शंस फॉर द सेम गुड्स सर्विसेज और रिपीटेड
procurement of the same goods services through L1 is strictly prohibited as per which rules of GFR 2017. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे. GFR 2017 के किस नियम के अनुसार एक ही सामान सेवाओं के लिए कई बोलियां आरए मतलब रिवर्स ऑक्शन बनाकर मांगों का विभाजन या L1 के लोवेस्ट प्राइस 1 के माध्यम से एक ही सामान सेवाओं की बार बार खरीद सख्त वर्जित है. मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो लोवेस्ट प्राइस दे रहा है उसको इकट्ठा माल खरीदने के बजाय आप टुकड़ों में बांटकर खरीदी कर रहे हैं, या माल है या आपकी डिमांड है उसको आपने बाइफरकेट कर दिया है, स्प्लिटिंग कर दी है. ये बिल्कुल गलत है, प्रोहिबिटेड है. किसके अनुसार? GFR 2017 के अनुसार. तो GFR 2017 का कौन सा नियम इसके लिए बना हुआ है कि आप इस तरीके की खरीदी नहीं कर सकते, स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते, या बार बार आप लोवेस्ट प्राइस दे रहा है उससे आप अलग अलग पार्ट में खरीदी कर रहे हैं, एक साथ में नहीं खरीदी कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा रूल है आपको प्रतिबंधित करता है, वर्जित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं. रूल 166 एंड 167, रूल 161 एंड रूल 167, रूल 149 फर्स्ट एंड रूल 149 सेकंड, रूल 150 एंड 151. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रूल 149 वन एंड रूल 149 सेकंड. मतलब कि GFR के रूल 149 फर्स्ट में और सेकंड में ये बात बताई गई है कि आप इस तरीके से बाइफरकेशन नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते डिमांड को, और बार बार मल्टीपल आप परचेज नहीं कर सकते लोवेस्ट प्राइस देने के लिए. ये प्रतिबंधित किया गया है GFR के रूल 149 फर्स्ट में और सेकंड में. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा. नया सवाल देख लेते हैं 69. जैम इज ए डायनेमिक ऑनलाइन मार्केट प्लेस. Suppliers and potential sellers are on board at JAM to ensure availability of sufficient sellers on JAM. However, to whom would this not apply? JAM एक गतिशील ऑनलाइन मार्केट प्लेस है. मतलब कि कोई आता है कोई जाता है, एक स्टैटिक नहीं है, वहां पर बदलाव होते रहते हैं, सेलर भी चेंज होते हैं और बायर भी चेंज होते हैं. तो इसको आप क्या बोल रहे हैं? डायनेमिक बोल रहे हैं, मार्केट प्लेस को बोल रहे हैं. साथ में जैम पर पर्याप्त विक्रेताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ता और संभावित विक्रेता जैम पर ऑन बोर्ड है. मतलब कि वहां लिखे हुए हैं वो कौन संभावित खरीदार होंगे, कौन संभावित विक्रेता होंगे, वो ऑन बोर्ड लिखे हुए हैं, ऑन बोर्ड रजिस्टर्ड है. हालांकि ये किस पर लागू नहीं होता, ये नियम है किस पर लागू नहीं होता, ऑन बोर्ड के लिए किस पर ये नियम है वो लागू नहीं होता. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑन रिवर्स ऑक्शन, ऑन PSE प्रोक्योरमेंट, ऑन रजिस्टर्ड सप्लायर, एट लीस्ट 3 सप्लायर मेथड. किस पर लागू नहीं होता? यहाँ बताया गया है कि जैम पर जो खरीदारी है वो क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, वहां पर लोग आते हैं जाते हैं, कोई स्टैटिक नहीं चल रहा है. साथ में जैम पर पर्याप्त विक्रेताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ता और संभावित विक्रेता है वो जैम पर ऑन बोर्ड है, मतलब लिस्टेड है. हालांकि ये किस पर लागू नहीं होता, ये लिस्टेड का नियम किस पर लागू नहीं होता? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ऑन PSE प्रोक्योरमेंट. PSE प्रोक्योरमेंट के लिए ये ऑन बोर्ड रूल है वो लागू नहीं होता. वहाँ एक फिक्स सप्लायर है वो अवेलेबल है, वहाँ स्पेसिफिक सप्लायर है. मतलब कि एक स्पेसिफिक सप्लायर है वो आइटम दूसरी जगह कहीं मिलता नहीं है, तो दूसरे अवेलेबल सप्लायर नहीं मिलेंगे. दूसरे खरीदार तो मिल सकते हैं परंतु दूसरी जगह पर वो माल बनता ही नहीं है, तो ये डायनेमिक प्रोसेस है वो उन पे लागू नहीं होती. ऑन PSE प्रोक्योरमेंट मेथड के लिए ये रूल है डायनेमिक का लागू नहीं होता. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा. मूव टू क्वेश्चन नंबर 70. डैश इज ए टूल प्रोवाइडेड टू बायर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिडिंग फ्रॉम जैम सेलर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर ए प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट दैट इज क्वांटिटी टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर गुड्स सर्विसेज. हिंदी अर्थ देख लीजिए. खाली स्थान के लिए खरीदार या खरीदारों को प्रदान किया गया एक उपकरण है. किसी विशेष उत्पाद के जैम विक्रेताओं से बोली लगाने का आयोजन पूर्व निर्धारित आवश्यकता के लिए श्रेणी अर्थात मात्रा, तकनीकी पैरामीटर, माल सेवाओं के लिए. तो खाली स्थान पे क्या आ जाएगा? द ई बिडिंग आर ए मॉड्यूल ऑफ जैम, द ऑनलाइन परचेज, द ऑथेंटिक परचेज, द PSE मॉड्यूल. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए,
ई बिडिंग आर ए मॉड्यूल ऑफ जेम, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आपका ई बिडिंग आ जाएगा। ई बिडिंग का मतलब क्या हो रहा है, ई बिडिंग इज ए टूल प्रोवाइडेड टू बायर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिडिंग फ्रॉम जेम सेलर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर ए प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट दैट इज क्वांटिटी टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ई बिडिंग आ जाएगा या रिवर्स ऑक्शन मॉड्यूल आ जाएगा जेम पर, सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 71। व्हाट पैरामीटर्स ऑफ द आइटम्स वुड बी द क्राइटेरिया फॉर कंडक्टिंग ई बिडिंग आर ए ऑफ द गुड्स सर्विसेज। खरीदार द्वारा पहचाने गए आइटम के कौन से पैरामीटर माल सेवाओं की ई बोली या आर ए आयोजित करने के लिए मानदंड होंगे, तो कौन से मानदंड होंगे जहां पर आप ई बिडिंग करना चाह रहे हैं या रिवर्स ऑक्शन करना चाह रहे हैं कोई भी सामान के लिए सर्विस के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, द प्राइस ऑफ द आइटम्स, द टेक्निकल एंड वारंटी पैरामीटर्स, द प्रेस्टीज ऑफ द सप्लायर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। तो आप कौन से पैरामीटर को अडॉप्ट करेंगे अगर आप कोई आइटम खरीद रहे हैं ई बिडिंग के द्वारा या रिवर्स ऑक्शन के द्वारा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, द टेक्निकल एंड वारंटी पैरामीटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पैरामीटर पर कोई आइटम फिट बैठता है, वारंटी पैरामीटर फुलफिल करता है, तो आप ई बिडिंग के द्वारा या रिवर्स ऑक्शन के द्वारा खरीद कर सकते हैं जेम पोर्टल पर, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को भी जरूर बताएं। अगला सवाल देख लेते हैं 72। द ई बिडिंग आर ए इन्विटेशन नोटिस शैल बी पब्लिश्ड ऑन जेम पोर्टल, व्हाट विल बी द लास्ट डेट फॉर बिड सबमिशन पब्लिक बिड ओपनिंग आफ्टर पब्लिकेशन ऑन जेम पोर्टल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित आपको परीक्षा में मिलेगा। ई बोली या रिवर्स ऑक्शन आमंत्रण सूचना जेम पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी, ये ई बिडिंग है या रिवर्स ऑक्शन आमंत्रण है, इन्विटेशन है या कोई भी नोटिस है आप पब्लिक कर रहे हैं तो जेम पोर्टल पर वो पब्लिश की जाएगी। जेम पोर्टल पर प्रकाशन के बाद बोली जमा करने या बोली खोलने की अंतिम तिथि क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ई बोली या रिवर्स ऑक्शन के लिए इनविटेशन दिया है या कोई नोटिस पब्लिश किया है जेम पोर्टल पर, तो उसके पब्लिश होने के कितने दिनों के अंदर आपको बोली जमा करने या बोली खोलने की अंतिम तिथि होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 7 days, 21 days, 10 days, 14 days। करेक्ट आंसर विल बी सी, 10 days। ई बिडिंग का नोटिस है या रिवर्स ऑक्शन इनविटेशन है या किसी भी प्रकार का नोटिस आप खरीद करने के लिए जेम पोर्टल पर पब्लिश कर चुके हैं, तो पब्लिकेशन के कितने दिनों के अंदर आपको बोली जमा करनी चाहिए या बोली खोलने की अंतिम तिथि है वो क्या होनी चाहिए, 10 दिन होने चाहिए। 10 दिन आपको ध्यान रखना है, 10 दिनों के अंदर आपको वो जो बोली जमा की है या बिड डॉक्यूमेंट जमा किए हैं आपको बिड ओपन करनी होगी, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। द लास्ट डेट फॉर बिड सबमिशन बिड ओपनिंग आफ्टर पब्लिकेशन ऑन जेम पोर्टल इज 10 days। एनी चेंज इन द लास्ट डेट विल बी इंटीमेटेड एट लीस्ट 2 hours प्रायर टू क्लोजिंग टाइम ऑफ ई बिडिंग रिवर्स ऑक्शन टू द रजिस्टर्ड सेलर्स ऑन जेम थ्रो डैश। जेम पोर्टल पर प्रकाशन के बाद बोली जमा करने बोली खोलने की अंतिम तिथि 10 दिन है, ये पहले वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। ई बोली या आर ए के बंद होने के समय से कम 2 घंटे पहले अंतिम तिथि में किसी भी बदलाव की सूचना जेम पर पंजीकृत विक्रेताओं को डैश के माध्यम से दी जाएगी। मतलब कि ये बात बता दी गई है कि जेम पोर्टल पर प्रकाशन के बाद में बोली जमा करने या बोली खोलने की अंतिम तिथि है वो 10 दिन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन छुपा दिया है आप इन्फॉर्मेशन को लेकर के, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो उत्तर कर देंगे। साथ में ई बोली या रिवर्स ऑक्शन के बंद होने के समय से कम 2 घंटे पहले आपको सूचना देनी होगी अगर अंतिम तिथि में कोई बदलाव कर रहे हैं। 10 दिन अंतिम तिथि रखी गई है, इसमें कोई बदलाव कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले आपको बदलाव की सूचना देनी होगी जेम के पंजीकृत विक्रेताओं को। और ये जेम के पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रेताओं को आप किस माध्यम से सूचना प्रेषित करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, थ्रू ईमेल जेम, थ्रू मैसेंजर, थ्रू टेलीफोन, थ्रू रजिस्टर्ड लेटर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, थ्रू ईमेल जेम। मतलब कि आप ईमेल के द्वारा ये सूचना देंगे कि डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, और ये सूचना कितने पहले देनी चाहिए, 2 घंटे कम से कम पहले देनी चाहिए आपको ईमेल के द्वारा,
या जेम के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सूचना प्रेषित करनी होगी। किसको भेजनी होगी? पंजीकृत विक्रेताओं को भेजनी होगी, क्योंकि आपने डेट है उसमें कोई चेंज कर दिया है। सामान्य रूप से पब्लिकेशन के 10 दिन के अंदर बोली खुलने का समय दिया जाता है, परंतु आपने किसी कारण से चेंज किया है तो उसके 2 घंटे पहले आप मेल के द्वारा आप सूचित करेंगे या जेम पर नोटिफिकेशन डालेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 74। इफ ए सेलर वांट्स टू बी लिस्टेड ऑन द जेम पोर्टल फॉर ए प्रोडक्ट सर्विस, विद इन व्हाट टाइम जेम हैज टू इन्फॉर्म द अप्रूवल रिजेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। यदि कोई विक्रेता किसी उत्पाद सेवा के लिए जेम पोर्टल पर सूचीबद्ध होना चाहता है तो कितने समय के भीतर जेम को उत्पाद के अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना देनी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और नया कोई तरीका है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते, 3 डेज, 12 आवर्स, 48 आवर्स, 7 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 48 आवर्स। यदि कोई विक्रेता किसी उत्पाद सेवा के लिए जेम पोर्टल पर सूचीबद्ध होना चाहता है, रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो कितने समय के भीतर जेम को उत्पाद के अनुमोदन या स्वीकृति की, कोई रजिस्टर होना चाहता है कोई उत्पाद के लिए, तो कितने समय के बाद में जेम है वो ठीक है भाई आप इस आइटम के लिए रजिस्टर हो चुके हैं या आपके आइटम का रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया, कितने दिनों के अंदर कितने समय के बाद में आपको सूचित करना होगा? 48 आवर्स के अंदर आपको ये बात बता देनी होगी कि आपका आइटम है वो रजिस्टर हो चुका है या नहीं हुआ है, सारी सूचनाएं आपको देनी होगी। 48 घंटे के अंदर रजिस्टर्ड सप्लायर को आपको देनी होगी, उत्पाद के लिए आपको जेम पोर्टल पर बताना होगा कि ये आइटम आपका जेम पर रजिस्टर हो गया है या रिजेक्ट हो गया, उसकी भी सूचना देनी होगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, 48 आवर्स। और डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं माकेसर देवी सीरीज 4th का अंतिम क्वेश्चन, 75। हाउ मेनी डेज द बिड आर ए सबमिटेड अंडर ई बिडिंग विल रिमेन वैलिड एज स्टिपुलेटेड इन बिड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिड ओपनिंग अप टू 24 आवर्स। ई बिडिंग के तहत जमा की गई बोली आर ए मतलब कि रिवर्स ऑक्शन कितने दिनों तक, या बोली दस्तावेजों में निर्धारित किया गया है बोली खोलने की तारीख से वैध रहेगा, मतलब कि ई बिडिंग के लिए कितने दिनों तक वो बोली है वो बोली खोलने की तारीख से वैध रहेगी, वैलिडिटी पीरियड क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, 3 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 7 डेज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी डेज द बिड आर ए सबमिटेड अंडर ई बिडिंग विल रिमेन वैलिड, मतलब कि जो बिड है वो कितने दिनों तक वैलिड रहेगी, जब बिड ओपन हो चुका है तो कितने दिनों तक वो वैलिड रहेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 15 डेज। 15 दिनों तक वो बिड है वो वैलिड रहेगी, मतलब कि किसी सप्लायर को टेंडर अलॉट हो गया है या बिड अवार्ड हो गया है तो 15 दिनों तक वो आगे की प्रोसेस है वो कर सकता है, उसके बाद में अगर कोई जवाब नहीं दिया, उसने हाँ नहीं भरी, हामी नहीं भरी, वो सप्लायर की प्रोसेस में आगे नहीं आया, तो वह वैलिडिटी पीरियड है वो बिड ओपनिंग डेट से वो खत्म हो जाएगी। तो जिसको भी अलॉट हुआ है 15 दिन तक ये काम करती रहेगी, बिड है वो वैलिड रहेगी, उसी के नाम रहेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 डेज। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने माँ केसर देवी सीरीज 4th के क्वेश्चन है वो कम्प्लीट किए हैं, और ये क्वेश्चन है वो आधारित है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब कि जेम पर आधारित क्वेश्चन की सीरीज चल रही है माँ केसर देवी। साथियों माँ केसर देवी सीरीज है वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जेम के क्वेश्चन से वो चर्चा किए जा रहे हैं और जेम पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एसी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में परचेजिंग का मेथड है वो जेम के द्वारा आ गया है, तो जेम पर निश्चित रूप से परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों अगर आप इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज मंडली पर आपका संपूर्ण सिलेबस है वो अवेलेबल है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और मित्रों आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।